वुमेन बिग बैश लीग WBBL का सातवां मुकाबला जो कि खेलाएगा मेलबर्न रेनिगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। उम्मीद है कि ये मुकाबला काफ़ी अच्छा होगा। अभी तक तो 6 के 6 मैचेस फर्स्ट बैटिंग डिफेंड की है भाई, फर्स्ट बैटिंग ने बैटिंग की, अच्छा स्कोर किया और स्कोर डिफेंड किया है, ठीक है। बट इस मैच में मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा स्कोर बनेगा क्योंकि काफ़ी अच्छी बैटिंग पिच है यहाँ पर, इस बाउंड्री बहुत छोटी है, स्कोर बन रहे हैं इजीली बन रहे हैं। लास्ट मैच पे हरप्रीत कौर यहाँ पर जिता सकती थी बट उन्होंने क्या सोचा मुझे नहीं पता, बट वो मैच वो जिता सकती थी हरप्रीत कौर। इस मैच में हम बात करेंगे कि रेनिगेड्स चेस पर आएगी तो आपको क्या करना है, आपको किस बात का ध्यान रखना है, वो जब मैं रेनिगेड्स की बैटिंग लाइनअप बताऊंगा तब मैं बताऊंगा, तो उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। अभी बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, मैच विनर की और प्लेइंग 11 और प्लेयर के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। जैसे कि आपको स्टार्टिंग बताई, काफ़ी अच्छी बैटिंग पिच है यहाँ पर, 181-188 आपको देखने को मिलेगा और लास्ट मैच पे चेस भी कर रही थी 188 मेलबर्न रेनिगेड्स में, लगभग कर लिया था। अगर हरप्रीत कौर या कोई भी एक बैट्समैन अगर लास्ट तक टिका रहता तो ये इजीली 18 ओवर तक में ही चेज हो जाता, बट नहीं हुआ कुछ भी हो। बट इस मैच में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्कोर बनेगा और वो भी चेजेबल भी हो सकता है, अब उम्मीद रख सकते हैं। बट जब बताऊंगा मैं मेलबर्न रेनिगेड्स की प्लेइंग 11, उस वक्त एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्लेयर के स्टैट्स बताऊँ, पिच के स्टैट्स बताऊँ तो यहाँ पर 5-5 मुकाबले हुए हैं टोटल, मतलब टोटल 5-5 है, 50-50 दोनों जीते। लास्ट 10 मुकाबले में 32 मैचेस हुए जिसमें से 44% मतलब मान लीजिए 15 मैचेस बैटिंग फर्स्ट जीती और चेजिंग करने वाली टीम ने 17 जीते। वहीं पर 146 फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है, 135 सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर, 192 हाईएस्ट टोटल। यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेड्स ने यहाँ पर 10 में से 6 मुकाबले जीते, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने यहाँ पर 6 में से सिर्फ 2 जीते हैं मेरे भाई। तो मेलबर्न रेनिगेड्स का पलड़ा इस ग्राउंड में काफ़ी भारी नजर आता है हमें। 141 एवरेज स्कोर है मेलबर्न रेनिगेड्स का, एडिलेड स्ट्राइकर्स का 146, बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं इस ग्राउंड में एवरेज स्कोर के मुकाबले, पर विनिंग परसेंटेज मेलबर्न रेनिगेड्स का काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर पेसर्स का 47% विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स का 48%। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में बात करूँ, सबसे पहले मेलबर्न रेनिगेड्स की तरफ से टी बे माउंट, एच मैथ्यूज, जे डोले, हरप्रीत कौर, वाह ये जो नंबर 4 तक है ना, एक नंबर के हिटर है, सब बढ़िया बैट्समैन है यहाँ पर। सीवेब भी अच्छा खेलती, जी वरेहम भी मुझे लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया दिखी, ई के रहम भी काफ़ी सही दिखी, जी डफिन मैच जिताने ही वाली थी लगभग, जी प्रेस्टविज के साथ, एस क्वेट, एच ई हाइवर्ड, टीम काफ़ी अच्छी लग रही है भाई। बट यहाँ पर बॉलर की मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, बैटिंग तो काफ़ी अच्छी है, फुलफिल है, नीचे तक बैटिंग दिखी मुझे, बट यहाँ पर बॉलिंग की थोड़ी मुझे कमी दिखी। अगर मेलबर्न चेस में आती है, रेनिगेड चेस में आती है, तो ये 100% है कि ये टीम अनफेवरेट है, ये 10 पैसे तक आएगी आपको खाने के मिलेगा। तो अगर ये सेकंड बैट पे आती है तो आप आँख बंद करके ये पकड़ लेना, माफ़ कीजिएगा, एडिलेड स्ट्राइकर पकड़ लेना और आपको 10 पैसे दिखेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स को खाना और मेलबर्न रेनिगेड्स 90 पैसा, बोथ का रेट तो ऊपर आएगा ही रेट, 10 पैसे 20 पैसे से एक बार बोथ का रेट या 90 पैसा आएगा ही, तब आप कटिंग करके बैठ जाना, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लेना जब तक कि स्कोर चेज ना हो जाए का इस WBBL में, ओके। अब बात करूँ अगर मैं एडिलेड स्ट्राइकर के बारे में, तो भाई इसकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है कि क्या थी, मैक एल वॉल्डवर्ड, टी मैगराज, बी पेटरसन, एम पेन्ना, डी गिब्सन, जी एडम्स, भाई यहाँ तक काफ़ी अच्छी बैटिंग है। ए वेलिंगटन भी अच्छी बैटिंग कर लेती, जे बाब्स भी, एम स्कॉट, एम ए मुसानवे और उसकी जगह भाई ब्राउन भी एक करके ब्राउन है, वो भी अच्छी बॉलिंग करती है, उनकी बैटिंग बॉलिंग काफ़ी बैलेंस्ड है और सामने वाली टीम में बैटिंग खाली अच्छी है, बॉलिंग थोड़ी सी कमी नज़र आती है, तो वहाँ पर ये माइनस प्लस पॉइंट है। अब अगर दिखाऊं मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में, तो रेनिगेड्स के पास सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, टी बी अमाउंट, एच मैथ्यूज, हरप्रीत कौर, जी वरेम। वहीं पर बात करूं वो आपको और दूसरी टीम के बारे में, एडिलेड स्ट्राइकर के बारे में, तो कैथी मैक, एल वॉल्डवर्ड, टी मैगराज, जी एडम्स, जे बार्सपियर, एम स्कॉट, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। टोटल 10 प्लेयर है जिनको आप पिक कर लीजिएगा अपनी टीम में, बाकी एक प्लेयर आप अपने मन से या मैं बता दूंगा टॉस के बाद, ओके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट नीचे डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।